मित्रों नमस्कार, पवन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मित्रों, केवल एक ही रत्न आपको राजनीति के शिखर पर पहुंचा सकता है। ओनली वन जेम कैन रीच यू एट द पीक ऑफ पॉलिटिक्स। जी हाँ मित्रों, बड़ा ही समसामयिक और आवश्यक प्रसंग है। अनेक मित्र राजनीतिज्ञ, क्षेत्रीय लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय लोग, सबकी प्राय जिज्ञासा रहती है कि राजनीतिक प्रसंग पर एक वीडियो दिया जाए। उसको ध्यान में रख के मैंने आज इस वीडियो को बनाया है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर अब तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को आज से अंत तक देखें और मित्रों को भी शेयर करें, तथा जो दर्शक मित्र ज्योतिष को नहीं समझ पा रहे हैं वो भी जागरूक हों और ज्योतिष के प्रति विश्वास बढ़ाएं और ज्योतिष से सफलता प्राप्त करें। अपने जीवन के हर क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करके ज्योतिष का सहयोग लेकर के, जिस तरह से हर विधा है विज्ञान, उसी तरह से ज्योतिष भी एक बड़ा विज्ञान है, इसका भी सहयोग लें। तो मित्रों, कुछ देर के लिए मैं बैनर को हटाता हूं और व्हाइट बोर्ड पर नीचे है उस पर आता हूं। तब तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले मित्रों एक चीज बताना है। बहुत से मित्र कमेंट में लिख दिया करते हैं कि थोड़ा विस्तार से करिए, लग्न कुंडली भाव कुंडली अलग अलग करिए, विस्तार से करिए, किसी का कुंडली डाल दीजिए। मित्रों वीडियो मात्र 10 मिनट 12 13 मिनट का होता है, इससे आगे का सेंड नहीं होता और उसका कोई अर्थ नहीं। इन नाते इतने कम समय में जितना मैं बताता हूँ, सारगर्भित बताता हूँ, नियम सूत्र बताता हूँ, शायद रोज अगर एक वीडियो दिया कर रहा हूँ तो स्टेप वाइज आप समझ गए होंगे। इस नाते जितनी मेरी क्षमता है, बताने की क्षमता है, प्रयास है, उतना मैं कर रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आप मेरी सीमा को समझेंगे जितना मैं इस छोटे से वीडियो में कर पा रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ, और आप इसको संज्ञान में लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो मित्रों सबसे पहली चीज तो कुंडली का दशम भाव राजनीति का भाव है। दशम भाव सबसे ऊंचाई का भाव है। इस नाते दशम भाव से कर्म क्षेत्र देखा जाता है, राजनीति देखी जाती है, व्यवसाय देखा जाता है, नौकरी देखा जाता है, कारोबार देखा जाता है, हर क्षेत्र देखेगा। एक चीज और बता दें मित्रों, जब दशम का संबंध उसी 6, 10, 11 से होता है तो नौकरी का क्षेत्र प्रबल होता है। जब दशम का संबंध 2, 7, 10, 11 से होता है तो कारोबार का क्षेत्र प्रबल होता है। दशम का संबंध जब लग्न से होता है तो राजनीति का क्षेत्र प्रभावित है, क्योंकि लग्न व्यक्ति स्वयं है और दशम स्थान उसकी ऊंचाई है। तो जब दशम स्थान का उप नक्षत्र स्वामी कस्प चार्ट में, जो भाव कुंडली आपकी है, एक कस्पल चार्ट है, कस्पल सिग्निफिकेटर होता है और एक होता है प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर। कस्पल चार्ट में अगर दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी 1, 6, 9, 10, 11 का कार्य हो तो उस व्यक्ति को राजनीति में सफलता मिलती है। अब इनमें से 1, 6, 10 हो या 1, 6, 10, 11 हो या 1, 9, 11 हो, जो भी भाव 1, 2, 3 आते हैं, अगर लग्न से संबंध है दशम के रूप में शत्रु शांति का, तो राजनीति में उसका झुकाव रुझान रहेगा और समय आने पर उसको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर दशम का उप नक्षत्र स्वामी पूरी तरह से 1, 6, 9, 10, 11 सभी भावों का कार्य हो लेकिन उपयुक्त तो दशा अंतर दशा नहीं आती तो उसमें सफलता नहीं मिलती। तो इस नाते मेनली जिस समय राजनीति आपको देखना हो उस कालखंड में वो दशा आपका सहयोग कर रही है, ये चीज महत्वपूर्ण हो जाता है। और दशा स्वामी और उसका उप नक्षत्र स्वामी जब दोनों इन भावों को सपोर्ट करेंगे तब तो उस कालखंड में राजनीति में सफलता मिलती है।
और जब तक कुंडली में कोई चीज लिखी नहीं है, नहीं वो बल नहीं है, तब तक उपाय करने से कुछ ऊंचाई जरूर मिल सकती है, लेकिन उपाय करने से शिखर नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन ऐसा है कि अगर थोड़ा सा बल है तो अगर आप उपाय करोगे, रत्न धारण करोगे, तो बल चौगुना हो जाएगा, आप निश्चित रूप से शिखर पर पहुंच जाओगे। यही मेरे कहने का आशय है। तो ऐसे मित्र पहले तो ये देख लें कि उनकी कुंडली में क्या आशा की कोई किरण है। अगर है तो निश्चित रूप से समाधान मेरा या ये कही रत्न उनको राजनीति के शिखर पर पहुंचा सकता है। ये चीज जानना जरूरी है। ये नहीं जानना कि जो जिनके में है ही नहीं, जो असाध्य है, पूर्व जन्म में लेके नहीं आए, वो नहीं पाएंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर आप थोड़ा सा भी असर है तो आप रत्न पहनोगे तो बल देंगे रत्न और आप ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। तो मैं उसी विषय पर कहने जा रहा हूं कि एक ही रत्न आपको राजनीति के शिखर पर पहुंचा सकता है। थोड़ा सा आदमी आगे बढ़े और कोई आदमी सहयोग कर दे तो उसको बल दुगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाता है, ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ऐसे प्राय राजनीति में चलता है। नेता एक होता है, हजार लोग उसका समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं और आगे पहुंच जाता है, लेकिन उसकी कुंडली में वो बल होता है। तो मित्रों इस प्रश्न को हम जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली से दोनों से हल कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली में अंतर इतना है कि उसमें उग्र नक्षत्र स्वामी जो है वो बकरी नहीं होना चाहिए, बकरी की रहती नक्षत्र में, ये शर्त है। जन्म कुंडली में बकरी भी है तब भी कोई मतलब नहीं है। तो मित्रों पहली चीज थी तो उग्र नक्षत्र स्वामी 1, 6, 9, 10, 11 का कार्य, दूसरा चीज दशा स्वामी भी 1, 6, 9, 10, 11 का काजेश हो अथवा इनमें से एक दो भावों का ही काजेश हो, उसी अनुपात में उस आदमी को सफलता मिलती है और बल दे दिया जाए रत्न पहना के तो और भी मिलती है। लेकिन दशा स्वामी को उसका उप नक्षत्र स्वामी भी सपोर्ट करना चाहिए। ये तो नियम हो गया। मित्रों आते हैं एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। अगर इसमें दो चक्र बना दिया जाए, लग्न कुंडली भाव कुंडली, एक मित्र का कमेंट था कि आप दिखा रहे हो कष्ट चार्ट और बात करते हो दृष्टि और लग्न की, ये अच्छा चीज नहीं है। मित्रों हमने लग्न आदमी भाव कुंडली हर जगह लिखा है। मैं ये मान के चलता हूं कि आप ये मान के चलो कि ये दोनों है, अर्थात इसकी राशियां इधर उधर नहीं है, इससे दृष्टि भी देख लो, इससे भाव भी देख लो। लेकिन जब सही ओरिजिनल कुंडली देखेंगे तो उसमें राशियां और भाव इधर उधर होंगी ना, तो दोनों कुंडली बनती है, बनाई जाती है। उदाहरण कुंडली है, इसको समझने की जरूरत है। इसमें इसका नुक्ता चीनी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नुक्ता चीनी करोगे तो वहीं तक सीमित रह जाओगे, आपकी समझ में चीजें नहीं आएंगी। तो मित्रों अब ये कुंडली हम लेते हैं, मान लीजिए दशम का उपनक्षत्र स्वामी मंगल, तो मंगल को आप देख लीजिए कि मंगल किन भावों का काजेश है, सपोर्ट कर रहा है 1, 6, 9, 10, 11 को कि नहीं। मंगल देखिए धनु राशि में 16 अंश 30 कला पर बैठा है, अर्थात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। इतना से मंगल और शुक्र को यहाँ देखने की जरूरत है। मंगल देखिए 9 में बैठा है, तो 9 में 6 में बैठा है, तो 6वें का कार्य हुआ। मंगल की एक राशि मेष दशम में बैठी है तो 10 का कार्य हुआ। दूसरी राशि वृश्चिक पंचम में है तो 5 का कार्य हुआ। मंगल शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र 10वें बैठा है तो 10 का कार्य हुआ। और शुक्र की दोनों राशियां 11 में बैठी है वृष और तुला बैठी है 4 में, अर्थात 11 और 4 का कार्य हुआ। और शुक्र की जो है इसकी मंगल की दृष्टि देख लीजिए कहाँ कहाँ है, 4, 7, 8 होती है, 1, 2, 3, 4 नौवां स्थान पर तो 9 का कार्य हुआ। सातवीं दृष्टि लग्न पर है तो लग्न का कार्य हुआ। और सातवीं दृष्टि द्वादश पर है तो 12 का कार्य हुआ। आठवीं दृष्टि लग्न पर है तो लग्न का, अर्थात मंगल 6, 10, 5, 10, 11, 4, 9, 12 अर्थात 1, 6, 9, 10, 11 सबका कार्येश है। इस नाते प्रबल संभावना है कि ये व्यक्ति राजनीति में ऊंचाई पकड़ेगा।
अब देखें महादशा किसकी चल रही है, इस व्यक्ति पर महादशा सूर्य की मान लीजिए चल रही है। सूर्य चल रहा है 15 फरवरी 18 से मान लीजिए आ गया, तो ये 15 फरवरी 24 तक इसकी दशा 6 साल रहेगी। अब इस 6 साल में अगर कोई चुनाव होता है, कोई राजनीति होती है, तो क्या व्यक्ति सफल होगा ये देखना है। सूर्य को देख लीजिए, सूर्य देख लीजिए बैठा हुआ वृष राशि में, रोहिणी नक्षत्र में 1, 10, 20, 28 पर, अर्थात रोहिणी माने चंद्रमा का अंशत्व। तो सूर्य को देखिए पहले कहाँ बैठा है, सूर्य लाभ स्थान में बैठा है एकादश में, सूर्य एकादश का कार्य हो गया। सूर्य की सिंह राज द्वितीय स्थान में है तो 2 का कार्य हो गया। सूर्य की एक ही राशि है, सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है, चंद्रमा देखिए लग्न में बैठा हुआ है, 1 का कार्य हुआ। फिर चंद्रमा की राशि भी लग्न में बैठी है तो 1 का कार्य हो गया। सूर्य की दृष्टि पंचम स्थान पर है, 5 अर्थात सूर्य में 11, 2, 1, 1, 5 है। अब सूर्य में सारे भाव 1, 6, 9, 10, 11 तो नहीं है, लेकिन 11 और 1 है, अर्थात एकादश का संबंध 1 से है। तो यह माना जाएगा कि राजनीति के क्षेत्र में सूर्य सफलता दे सकता है। दूसरी स्थिति मित्रों, इसी 11, 1, 6, 10 में से सूर्य का जो नक्षत्र स्वामी होगा उसको भी देखना पड़ेगा। इतना समय नहीं है कि उसके उप नक्षत्र स्वामी को निकालूं, उसके कार्य भावों को तय करूं, तो विषय विस्तृत हो जाएगा, तो उसको भी आप देख लेंगे। दूसरा चीज मित्रों, आप सूर्य से रिलेटेड सब ग्रहों को देख लीजिए, इस दशा महादशा स्वामी से जो सूर्य की राशि में हो उसको देख लीजिएगा, जो ग्रह हो सूर्य के नक्षत्र में अगर कोई है तो उसको देख लीजिएगा, सूर्य की ज्योति में तो कोई ग्रह नहीं दिखाई दे रहा या रहे तो उसको देख लीजिएगा, और सूर्य की दृष्टि में अगर कोई हो तो उसको देख लीजिएगा। सारे ग्रह आएंगे, हो सकता कोई हो, और जो सूर्य से संबंधित ग्रहों में जो ग्रह हो उनमें से जो 1, 6, 10, 1, 6 और 9, 10, 11 के अधिकतम भावों का कार्य हो वह भी सबल हो, अर्थात नक्षत्र के माध्यम से आया हो, उसी का रत्न आप चयन कर लेंगे तो निश्चित रूप से वह रत्न राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति को ऊंचे उठा देगा। और अगर थोड़ा अच्छे क्वालिटी के ग्रह मिल गए तो शिखर पर पहुंच जाएगा, यह आपकी क्षमता प्रतिभा पर है, विश्लेषण पर है, और उस आदमी के कुंडली में स्थित ग्रहों पर है। ऐसा प्रयास करके आप रत्न पहना करके शुद्ध क्वालिटी का उस आदमी को शिखर पर पहुंचा सकते हैं, बहुत से लोग पहुंच जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब एक ही रत्न आपको राजनीति के शिखर पर पहुंचा सकता है, पहुंचा देगा मैंने नहीं कहा है, पहुंचा सकता है। और एक ही डॉक्टर मैंने कोई डॉक्टर जिस आदमी में जीवन की थोड़ी भी संभावना है उसको दवा के द्वारा ठीक कर सकता है, लेकिन अब मरे हुए आदमी को ठीक नहीं कर सकता है या जो मरणासन्न है। ये कहने का मतलब है, उसका अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए मित्रों। तो समय लंबा हो रहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, सबको नमस्कार।